बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के जरिए स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 24 घंटों के दौरान 770 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 770 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 1,98,572 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान आप लोग देख सकते हैं 1,372 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी भी हुई है, और ये 1,372 पर्सन की रिकवरी मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 1,80,547 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 9 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 9 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 2,071 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद है उसके अंदर खासी कमी हो रही है, और जो रिकवरी लेवल है ओमान के अंदर वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन अमवात जो है वो अभी भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काफ़ी हाई हो रही हैं। तो इसके पेश नज़र अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायात हैं हर सिटीजन और रेजिडेंस के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि ये जो केसेज हैं ओमान के अंदर वो थम सकें। अपने आप को इस वायरस से बचाएँ और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएँ। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थे ओमान के कोविड-19 के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।